टाटा टियागो है फ्रेंड्स, और इस गाड़ी को करने वाले सर्विस, तो इसका ऑयल सर्विस करने वाले हम। तो गाड़ी चली हुई है 11,600 के आसपास फ्रेंड्स, और इसका इंजन ऑयल चेंज करने वाले हैं, ऑयल फिल्टर चेंज करने वाले हैं, और एयर फिल्टर क्लीन करने वाले हैं, और एसी फिल्टर क्लीन करने वाले हैं। तो ये टाटा टियागो पेट्रोल इंजन है फ्रेंड्स, और इसके अंदर इंजन ऑयल आने वाला है 3.5 लीटर, और ये यहाँ पे उसका ऑयल फिल्टर, तो ये दोनों चेंज करने वाले हैं, और यहाँ पे इसका एयर क्लीनर है, उसको क्लीन करने वाले हैं, और थर्ड नंबर पे उसका एसी फिल्टर है फ्रेंड्स, उसका लोकेशन यहाँ पे है, आप देख सकते हो यहाँ पे, तो उसको खोलने वाले हम। तो ये स्क्रू रहते हैं यहाँ पे, तो ये खोलने के बाद ये पट्टी निकल जाएगी और यहाँ से एसी फिल्टर निकलेगा, और इसको क्लीन करने वाले हैं। करते हैं काम स्टार्ट। तो लेफ्ट साइड जैक लगा दो इसको फ्रेंड्स। ये चैम्बर बोल्ट है, इसे ओपन कर लिया है, अभी निकाल रहे ऑयल भाई। अभी जब तक ये ड्रेन है ऑयल यहाँ पे निकलेगा, जब तक तब हम इसका ऑयल फिल्टर खोल देते हैं फ्रेंड्स। तो ये ऑयल फिल्टर फ्रेंड्स इसका खोलने वाले हम। तो एंटी क्लॉकवाइज ये ओपन हो रहा है फ्रेंड्स, खोलो विष्णु। ये चैम्बर नट है फ्रेंड्स, और इसके अंदर मैग्नेट दिया गया है ताकि जो एमरी वगैरह वो यहाँ पे चिपक जाए। तो आप देख सकते हो इसे सही तरीके से हमें क्लीन करना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी उंगली में कितना एमरी लगा हुआ है, कपड़ा लाओ। तो फ्रेंड्स मैंने क्लीन कर लिया, फिर से एक बार लगाता हूँ। तो ये एमरी है फ्रेंड्स, ये न्यू गाड़ी है, 10,000-11,000 चली हुई, फिर भी ऐसा एमरी होता है। तो टाइम पर हमें इसका ऑयल चेंज करना रहता है, और ये मैग्नेट वाला बोल्ट है, तो यहाँ पर हमें कपड़ा लगा के उसको क्लीन करना है परफेक्ट। कर दो गाड़ी, लो मेरा काटो। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो फिल्टर है एसी का, और इसको क्लीन करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना धूल मिट्टी जैसा लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसकी वजह से जो एयर फ्लो वो सही तरीके से नहीं आता है। तो इसको वाटर से क्लीन करने के बाद एयर लगा देंगे। तो इसको पानी लगा के वॉश कर दो। एसी फिल्टर निकालने के लिए फ्रेंड्स इस यहाँ पे चार स्क्रू रहते हैं, इस तरीके के चार, दो यहाँ पे और दो यहाँ पे। वो निकालने के बाद ये निकल जाएगा, तो वहाँ से एसी फिल्टर निकलता है, उसका लोकेशन यहाँ पे, और यहाँ पर लगा रहता है ये इस जगह पे, और ये इस जगह पे लग जाता है इस तरीके से फ्रेंड्स। तो चैम्बर बोर्ड को सही तरीके से क्लीन कर लिया फ्रेंड्स, अभी इसको लगाने वाला है, फिट कर दो। तो फ्रेंड्स ऑयल ड्रेन हो चुका है हमारा, चैम्बर बोर्ड लगा दो। तो ये चैम्बर बोर्ड को टाइट कर देंगे फ्रेंड्स, हो जाएगा अभी। तो आप देख सकते हो ऑयल की क्वालिटी क्या है फ्रेंड्स, ये तो ये ड्रेन किया हुआ ऑयल है गाड़ी का। तो फ्रेंड्स अभी इंजन पे एयर लगा रहे हैं, एयर फिल्टर सभी जगह पे। इस तरीके यहाँ पे फैलता है, अभी ये कवर लग जाएगा इसके ऊपर, कवर लगवा दो, फिट कर दो।
इस जगह पे बोल्ट बिठाने वाले हैं। अभी ये एसी फिल्टर है फ्रेंड्स, उसको वाटर से क्लीन करने वाले हैं। एक बार एयर लगा के क्लीन कर दिया है और ये पानी डालने के बाद उसको ब्रश से साफ करके एयर लगा देंगे तो हो जाएगा ये परफेक्ट। और यहाँ पे उसका ऑयल चैम्बर बोल्ट टाइट हो चुका है, फिल्टर भी हो चुका है परफेक्ट, एयर क्लीनर भी हो जाएगा। तो उसके बाद इसके अंदर इंजन ऑयल डालने वाले, तो इंजन ऑयल हम डालने वाले विविडोल का सिंट्रॉन 5W30 फुली सिंट्रॉन। तो ये ऑयल डालने वाले फ्रेंड्स इस गाड़ी के अंदर। अभी डाल रहे हैं इसके अंदर ऑयल फ्रेंड्स। तो इसके अंदर ऑयल आता है 3.5 3.5 लीटर। तो इसको लगा दो यार। तो फ्रेंड्स एसी का फिल्टर हमने क्लीन कर लिया है वॉश करके, आप देख सकते हो परफेक्ट हो चुका है। अभी इसको बिठाने वाले हैं तो फिट कर दो इसको। तो अभी इसके अंदर पाइपर का पानी डाल रहे हैं फ्रेंड्स, और सब सब जो सारी चीज़ें वो चेक करनी रहती है, वाइपर वॉशर, ब्रेक ऑयल, इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर, कूलेंट, ऑयल फिल्टर लीकेज या नहीं, सब सब जो सारी चीज़ें उसकी चेक करने वाली रहती है वो चेक करना पड़ता है हमें फ्रेंड्स। और तो गाड़ी सर्विस हो चुकी है फ्रेंड्स, अब इसका करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। क्लच दबा के गाड़ी को करता ना स्टार्ट। गाड़ी स्टार्ट है फ्रेंड्स, एकदम साइलेंट हो चुकी है गाड़ी। जो पेड सर्विस के अंदर जो भी चीज़ इसका चेक करने वाला रहता है किलोमीटर के हिसाब से, वो हमने सारा चेक कर लिया है और गाड़ी एकदम परफेक्ट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे मोटर चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।